नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव होगा और अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से पंडित जी से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण काल में अगर आप ध्यान करें, मंत्र जप करें या कोई प्रार्थना करें, तो वो पूजा, वो प्रार्थना सफल होती है और प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। ग्रहण काल में पूजा, प्रार्थना, ध्यान जरूर करना चाहिए। वो बड़ा कीमती, बड़ा मूल्यवान समय है और उस समय में आध्यात्मिक कार्य करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे जानेंगे 18 सितंबर 2024 के पंचांग के बारे में। दिनांक 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः काल 8:04 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार के चंद्र ग्रहण की विशेषता क्या है और किस राशि से इसकी शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, देखिए, चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इसका आरंभ 18 सितंबर को प्रातः 6:11 पर होगा। ये ग्रहण अपनी पूर्णता पर होगा 8:14 पर और ये ग्रहण समाप्त होगा 18 सितंबर को प्रातः 10:17 पर। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा और ये ग्रहण भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि ये उपछाया ग्रहण है और दूसरी बात, ये ग्रहण भारत वर्ष में दर्शनीय नहीं होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मेष राशि, इस समय पैसों के नुकसान से, धन की हानि से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक
वृषभ राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, इस चंद्र ग्रहण के दौरान किस तरह की सावधानी रखी जाएंगी, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, ग्रहण जैसे ही शब्द दिमाग में आता है, बहुत सारे नियम, बहुत सारी सावधानियां ये दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो आइए आपके भ्रम को दूर करते हैं और सावधानियां बताते हैं। सामान्य जब कोई ग्रहण लगता है, नॉर्मल ग्रहण लगे और दिखाई दे, तो ग्रहण के साथ सूतक लग जाता है, और जब सूतक लगता है तो बड़ी सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। खाओ नहीं, पियो नहीं, सो नहीं, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएं, भोजन में तुलसी दल डाल दिया जाए, बड़े सारे नियम लग जाते हैं। लेकिन भैया, ये उपच्छाया चंद्र ग्रहण है, परफेक्ट ग्रहण तो है ही नहीं, और उपच्छाया चंद्र ग्रहण में कोई सूतक नहीं लगता, और किसी भी तरह के नियम इस चंद्र ग्रहण में लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये उपच्छाया चंद्र ग्रहण है। हर व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है, जो चाहिए खाइए, जो चाहिए पीजिए, विश्राम करिए, सोइए, कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि ग्रहण जितने समय तक है, उतने समय में आप गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र आप जप सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और जब ग्रहण समाप्त तो हो, तब आप दान करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये उपच्छाया चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण में कोई सूतक लागू नहीं होगा, इसलिए किसी तरह के नियम के पालन करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी, देश दुनिया पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी बताइए। ग्रहण का बड़ा असर देश दुनिया पर पड़ता है, राज्यों पर पड़ता है, स्टेट्स पर पड़ता है, और राज्यों के जो प्रधान हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ेगा इसका? मीन और कन्या राशि के दरमियान का ग्रहण है, ये मीन में लगा हुआ है, और इसके साथ सूर्य, शुक्र, राहु, चंद्र, मंगल और केतु का संबंध बन रहा है। मीन राशि के इस ग्रहण पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। ये जो स्थिति है, प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रही है। इसमें मंगल का संबंध युद्ध और वैश्विक विवाद भी दर्शा रहा है, और इस ग्रहण के अगले एक महीने में जनहानि और दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। इस ग्रहण की वजह से
शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। मिडिल ईस्ट, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और रशिया इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस समय जो लोग भी पैसा लगाने जा रहे हैं, जमीन में, मकान में, शेयर में, थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि लापरवाही से आपका धन डूब सकता है। बिल्कुल पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, धन के नुकसान से बचाव करें, वाद विवाद से भी बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, संतान पक्ष की चिंता आपकी समाप्त होगी। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें अशोक त्यागी जी ने लिखा है, भरूच गुजरात से लिखते हैं। 20 अक्टूबर 1958 का जन्म है। 7:16 प्रातः, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा अपना घर कब तक बनेगा और घर बनवाने के लिए धन की व्यवस्था कब तक हो पाएगी। अशोक जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके धन की व्यवस्था इसी साल के अंत में होगी और अगले साल आप अपना घर निश्चित रूप से बनवा लेंगे। लेकिन जो मुख्य बात है, जो आपने पूछी नहीं है, वो ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। इस समय चोट चपेट और दुर्घटनाओं से भी बचिएगा। आपके धन की व्यवस्था हो जाए और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर,
और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका सुबह शाम दोनों समय पाठ करिएगा। अगर ये दो उपाय आप लंबे समय तक करें, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न पीयूष महतो जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। 10 अगस्त 1998 का जन्म है। 8:20 प्रातः कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि आगे मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा। पीयूष, आपकी कुंडली के अनुसार आप टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में, प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में या बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फरवरी 2025 के बाद आपके करियर की शुरुआत होनी चाहिए ऐसा लगता है। आगे का जीवन आपका अच्छा है, लेकिन संभावना इस बात की बड़ी प्रबल है कि आप भविष्य में कोलकाता से दूर जाकर के अपना करियर बनाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह एक तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, और एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, तो सबसे पहले बात शुरुआती 6 राशियों की करते हैं, बताएं। अलग अलग राशियों पर अगले 15 दिन से लेके 1 महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव असर दिखाई देगा। क्या परिणाम होंगे मोटे तौर से बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की, देखिए पारिवारिक समस्याओं की स्थिति बन सकती है, आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, उससे आपको बचना होगा। वृषभ राशि, ग्रहण अच्छा है आपके लिए, सेहत की समस्या दूर होगी, आर्थिक स्थिति और करियर में आपके सुधार होगा। मिथुन राशि, ग्रहण आपके लिए भी अच्छा है, जीवन की बड़ी समस्याएं हल होंगी और काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होती चली जाएंगी। कर्क राशि, ग्रहण की वजह से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से इस समय बचिएगा। सिंह राशि, आंखों की समस्या से बचें, दुर्घटना से बचाव करें और आकस्मिक धन के खर्च या धन हानि से इस समय बचिएगा, मुश्किलें काफी हो सकती हैं। कन्या राशि, करियर में बड़ी रुकावट आ जाए, नौकरी चली जाए, नौकरी पे संकट आ जाए, ऐसा हो सकता है। और वैवाहिक मामले, फैमिली लाइफ, मैरिटल लाइफ आपकी बिगड़ सकती है, सतर्क रहिएगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, ये बताएं। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी,
स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में आपके सुधार होगा, संपत्ति से लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, अब जान लेते हैं कि बाकी की बची जो 6 राशियां हैं उन पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। ग्रहण अच्छा है आपके लिए, जीवन की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी ग्रहण के प्रभाव की वजह से, और करियर में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है इस समय। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की आपको समस्या हो सकती है, सावधान रहें, और करियर में अचानक से संकट आ सकता है, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। धनु राशि, मानसिक समस्याएं चिंताएं बढ़ेंगी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सावधानी रखें। बेवजह का अपयश डिफेमेशन आपको मिल सकता है। मकर राशि, ग्रहण अच्छा है आपके लिए, करियर में बड़ा और लाभकारी परिवर्तन आपके लिए इस समय हो सकता है, और आपके काम में जो रुकावट चली आ रही थी वो रुकावट इस समय दूर हो जाएगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन का खास तौर से, और करियर में कोई बड़ा रिस्क निर्णय जोखिम मत लीजिएगा, निर्णय गलत हो सकता है। मीन राशि, वैवाहिक जीवन और रिश्तों का ध्यान रखिएगा, और इस समय दुर्घटनाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। बिल्कुल पंडित जी, अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल कैसा रहने वाला है वो बताएं। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कोई परिवर्तन इस समय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें अमित पुरी जी ने लिखा है, सहारनपुर से लिखते हैं। 7 जनवरी 2001 का जन्म है। ये कह रहे हैं कि मैं अपना कोई काम करना चाहता हूं, अपना काम मैं कब तक कर पाऊंगा, अभी मैं नौकरी कर रहा हूं, भविष्य में मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। अमित, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी तो आपकी उम्र लगभग 23 साल हुई है, कम से कम 26 साल तक अभी नौकरी करिए। अभी एकदम से अपने काम में या एकदम से अपने व्यापार में आपके लिए उतर जाना बहुत बेहतर नहीं होगा। भविष्य में खाने पीने की चीजों का, ऑटोमोबाइल का, केमिकल का या दवाइयों का व्यापार अगर आप करें तो अच्छा होगा, लेकिन वो करिएगा 2027 में। अभी नौकरी आप चलने दीजिए। फिलहाल रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को आपको जप करना चाहिए और एक लोहे का छल्ला बनवा लीजिए। शनिवार की शाम को राइट हैंड की मिडिल फिंगर में दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करिए, आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का चौथा और आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न अदिति नेगी ने हमें लिखा है, उत्तराखंड से लिखती हैं। 16 मई 2001 का जन्म है। 3:40 दोपहर को देहरादून, उत्तराखंड। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। मैं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, क्या ऐसा हो सकेगा और क्या मैं भविष्य में विदेश जा सकूंगी। अदिति, आपकी कुंडली के अनुसार आप बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करिए। इन क्षेत्रों में आपका करियर बढ़िया होगा
और आगे पहले पढ़ाई के लिए और बाद में नौकरी के लिए आप फॉरेन में रहेंगी ऐसा लगता है। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से उम्र के 27 साल पूरा करने पे होगा, यानी 2028 में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से अवश्य होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहनिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 18 सितंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 18 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन के मामले में उतार चढ़ाव रह सकता है, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अप्रैल से स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की, तो पंडित जी बताएं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि चंद्र ग्रहण से किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, ग्रहण का फायदा कैसे उठाएं। ग्रहण काल में चंद्रमा और शिव जी के मंत्रों का जप करें, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर लें और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान कर दें। अगर ये काम कर लें तो ग्रहण आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा, ग्रहण से आपको लाभ अवश्य होगा। और अब बात कर लेते हैं 18 सितंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार। 18 सितंबर बुधवार का शुभ पहर है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब आदमी को सफेद वस्तु का दान करिएगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है तुला। इस समय करियर में कोई लापरवाही मत करिएगा वरना मुश्किल होगी। स्थान परिवर्तन के योग और विवाह तय होने के या होने के योग अगले 3 महीने में बड़े प्रबल रूप से बने हुए हैं। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। तो जानते हैं पंडित जी, बताएं आज का महा उपाय क्या है। जी, आपका कोई कीमती सामान खो गया, कीमती अंगूठी, कीमती घड़ी खो गई,
आपका पर्स गायब हो गया, क्या उपाय करें कि वो मिल जाए? जैसे ही सामान खोने का पता चले, एक सफेद रंग के रुमाल में सिक्का रखें और उसको बांध के पूजा स्थान पे तुरंत रख दीजिए। इसके बाद कार्तवीर्य स्तोत्र का 3 बार पाठ कर लीजिए या सुन लीजिए। ये 2 काम जितना जल्दी आप करेंगे, उतना ही जल्दी आपको आपका खोया हुआ सामान मिलेगा, नहीं तो कम से कम खोए हुए सामान की सूचना मिल जाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।